हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि काफी अंडररेटेड है, लेकिन अंडररेटेड होने के बावजूद भी इसका जो रिटर्न पोटेंशियल है वो फिनोमिनल है। आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन तो मिलेगी ही ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने की। इसके साथ साथ आपको एक काफ़ी आसान तरीका भी मिलेगा जिससे आप ये स्ट्रैटेजी को ईजिली मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप मार्केट में कुछ समय से निवेश कर रहे हो तो आप कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर होंगे। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक रेगुलर इंटरवल्स पे एक मैसेज का सर्कुलेट होता है, वो है कि आपने 1990s या 80s में विप्रो या इन्फोसिस जैसे किसी स्टॉक में निवेश किया होता और आज तक होल्ड करके रखे रहते तो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर भी आप आज की तारीख में करोड़पति होते। अब ये मैसेजेस आपको इंस्पायर तो करते ही है, मुझे भी करते हैं कि लंबे ड्यूरेशन के लिए निवेश करें, लेकिन इन मैसेजेस में एक फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि 1990s में किसे पता था कि विप्रो या इन्फोसिस आगे चल के बहुत बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनीज बनने वाली है, ये शायद ही किसी को पता होगा। इसके अलावा एक और फ्लॉ है, वो है कि 1990s में 10,000 रुपये काफ़ी बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। आज की तारीख में भले ही ये छोटी अमाउंट लगे, लेकिन 1990s में 10,000 रुपीज वॉज अ बिग डील। सो नोबडी हैड 10,000 रुपीज टू इन्वेस्ट एट वन गो। तो इन दोनों ही फंडामेंटल फ्लॉज का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है स्टॉक SIP। जी हाँ, आपने म्यूचुअल फंड में तो SIP की ही होगी और अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चुना है तो आपकी SIPs ने आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी बना के दिए होंगे। तो अगर एक म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसे बना सकता है तो क्या आप स्टॉक्स में डायरेक्टली SIP करके पैसा नहीं बना सकते? आई एम श्योर कि आप ज़रूर पैसा बना सकते हैं और अगर आप सही स्टॉक चुने तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न होगा वो किसी भी म्यूचुअल फंड या शायद किसी भी असेट क्लास से बेटर होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉक SIP? बेसिकली स्टॉक SIP में आप एक रेगुलर इंटरवल, और वो इंटरवल आप खुद चुन सकते हो, वो वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो you are basically investing in a particular stock at regular intervals. This is plain and simple meaning of stock SIP. अब stocks में SIP करने के benefits क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक disciplined तरीके से investment कर सकते हो। आप अपनी salary monthly basis पे कमाते हो तो investment भी monthly basis पे क्यों ना करें। तो instead of doing all your investments at the end of the financial year, SIPs are the best way to invest. तो stocks में SIP आप disciplined तरीके से regular interval पे कर सकते हो। इसके अलावा second सबसे बड़ा benefit है stock SIP का, वो है कि आपको markets को time करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। निफ्टी ने 17,000 के level को पार कर लिया है, अब इन levels पे आपको संकोच होगा कि markets गिर गया तो क्या होगा, but ये चीज़ आपको SIP करने में नहीं सोचनी पड़ेगी। SIP में अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा गिरते हुए बाजार का और आप ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो। तो दैट इज़ वन वेरी बिग एडवांटेज ऑफ स्टॉक SIP। इसके अलावा एक बेनिफिट है कि इट्स लाइक रनिंग योर ओन म्यूचुअल फंड। आप एक स्टॉक SIP को भी डाइवर्सिफाइड तरीके से कर सकते हो। आप 4-5 स्टॉक्स ऐसे चुन सकते हो जिसमें जो कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छे, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे स्टॉक्स कैसे चुनने हैं। तो आप ऐसे 4-5 स्टॉक्स ढूंढ सकते हो और इसमें SIPs कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप अपने फंड के कंट्रोल में हो, आप अपने फंड के मालिक हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट रनिंग अ स्टॉक SIP ऑन योर ओन। और इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि आपको ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप छोटी से छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 2,000 रुपीज एंड बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ 4-5 स्टॉक्स फॉर योरसेल्फ। तो आपको बहुत ज़्यादा रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी अमाउंट से भी कंटिन्यूस बेसिस पे SIP कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिंड। अब आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि इतनी छोटी अमाउंट से अगर SIP स्टार्ट करेंगे तो कितनी वेल्थ बन जाएगी, तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कुछ एक एग्जांपल्स के साथ।
तो मान लीजिए कि आपने ईयर 1995 में हिंदुस्तान यूनिलीवर में सिर्फ 300 रुपए की SIP से शुरुआत की होती है और अगर आप उसे हर साल 10% से बढ़ाते जाते, जी हाँ केवल 10% से अगर आप ये SIP हर साल बढ़ाते जाते तो आपने अब तक तकरीबन 4 लाख रुपए हिंदुस्तान यूनिलीवर में निवेश किए होते और आज की तारीख में आपके पास 30 लाख रुपए की वैल्यू के हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स होते और इसमें मैं डिविडेंड्स तो काउंट कर ही नहीं रहा हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, दिस इज़ अ IRR रिटर्न ऑफ अबाउट 17% विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न एंड आई एम श्योर के कोई भी असेट क्लास ने इतने बेटर रिटर्न्स नहीं दिए। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। अब सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपने हीरो मोटर्स में अगर ऐसे ही SIP शुरू की होती तो आज की तारीख में आपके पास 40 लाख रुपए होते जिसका IRR रिटर्न होता है 19%। अब अगर आपने सेम स्ट्रैटेजी एशियन पेंट्स में की होती तो आपकी अब तक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता लगभग 4 लाख रुपए और आपका आज तक का कॉर्पस होता लगभग 1.5 करोड़ रुपए, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न इन अ स्टॉक SIP। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पिडिलाइट। अगर आपने पिडिलाइट में सेम स्ट्रैटेजी 300 रुपए से शुरुआत करके 10% हर साल बढ़ाते जाते तो आपका आज की तारीख में पोर्टफोलियो वैल्यू होती लगभग 2.18 करोड़ रुपए। तो you know के सिर्फ छोटी सी अमाउंट से शुरू करके भी आप एक बहुत अच्छी खासी रकम बना सकते हो। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज डिसिप्लिन, पेशेंस, willingness to start and long-term commitment। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आई एम श्योर आप आज की तारीख में भी अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के उसमें निवेश करके लंबी अवधि में पैसे बना सकते हो। अब बात आती है कि आप ऐसे स्टॉक्स कहाँ ढूंढें, तो उसके लिए सैमको आपके लिए लेकर आया है स्टॉक रेटिंग्स। तो सैमको हर एक लिस्टेड स्टॉक को रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर्स, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल पैरामीटर्स, जो कि लगभग 50 पैरामीटर्स है जिसपे सैमको हर एक स्टॉक को रेट करता है और इसके बेसिस पे आपको रेटिंग्स दी जाती है। तो आपको करना ये है कि 4 और 5 स्टार रेटिंग्स वाले जो स्टॉक है केवल उसी में निवेश करें। आप उनमें SIPs स्टार्ट कर सकते हैं और SIP स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट अगर आप सैमको के क्लाइंट हो तो हमने एक चीट शीट ऑलरेडी आपको मेल कर दी है जिसमें आपको 20 स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे आप SIPs स्टार्ट कर सकते हो। तो इट डजेंट मैटर वेदर आपका इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो 2000 रुपये है या 20000 रुपये है, हर एक इन्वेस्टमेंट टिकट साइज के ऊपर हमने बास्केट्स बनाई है और जिसमें आप निवेश कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीट शीट अगर नहीं मिली है तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन और यू कैन ऑल्सो राइट एन ईमेल टू अस और आपको ये चीट शीट मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं स्टॉक SIP कैसे शुरू करें। तो पहले की तारीख में तो SIP करना बहुत ही मुश्किल होता था। 1995 में टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेडिंग नहीं होती थी, इट वॉज ऑल मैन्युअली डन, तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती थी अगर आपको SIP करनी होती। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत ही आसान हो गया और सैमको के स्टॉक नोट ऐप से भी आप स्टॉक SIP विदिन फ्यू मिनट्स शुरू कर सकते हो, तो ये एकदम ही आसान है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इसको शुरू करने के सरल स्टेप्स। तो सबसे पहले आपको अपने स्टॉक नोट ऐप में लॉगिन करना है और यू हैव टू सर्च फॉर द टॉप रेटेड स्टॉक्स दैट वी हैव रिकमेंडेड। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं IEX का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। तो आपको स्टॉक ढूंढने के बाद उस पर टैप करके ओपन करना है। अब आपको जो पॉपअप खुलेगा उसमें कोट पे क्लिक करना है। कोट पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर में स्टार्ट SIP बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको SIP का परफॉर्मेंस दिखेगा और हमारी रिसर्च टीम की रिकमेंडेशन भी इस स्टॉक में दिख जाएगी। इसके बाद आपको स्टार्ट SIP बटन पे क्लिक करना है जो कि आपको स्क्रीन में नीचे मिल जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स और SIP शुरू करने की डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आई अग्री पे क्लिक करना है एंड आपको कंफर्म SIP करना है। अब आपको आपका ऑर्डर वैलिडेट करने के लिए एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। इस OTP को आपको एंटर करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आपकी SIP सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको SIP की सारी डिटेल्स चेक करने के लिए एक्टिव स्टॉक SIP बटन पे क्लिक करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप एक मैंडेट सेट कर दें अपनी बैंक में ताकि आपकी SIPs
स्मूथली हर महीने एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये था सैमको के स्टॉक नोट ऐप पे स्टॉक SIP शुरू करने का एक बहुत ही आसान तरीका। अगर आप सैमको के क्लाइंट हो तो आप इमीडिएटली स्टॉक SIP शुरू कर सकते हो, और अगर आपका अब तक सैमको में अकाउंट नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत ही अपना सैमको स्टॉक नोट अकाउंट खुला दीजिए, जिसकी वजह से आप आसानी से स्टॉक SIP शुरू कर सकते हो। तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको सिर्फ अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना है और आगे 15 से 20 मिनट में आसानी से आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और सैमको की यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।